नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। रायसेन महीनों बाद भी बना तो बना अधूरा नाला। रायसेन में नवनिर्मित रोड हो या नाले आम जनता के लिए परेशानी का सबब बने हुए हैं। ऐसा ही एक नाला रायसेन के सागर भोपाल चौराहे पर करीब 2 महीने से खुदा पड़ा था। विभाग बेखबर था, जनता परेशान थी। यहां आसपास के दुकानदार PWD विभाग से शिकायत कर चुके थे, लेकिन विभाग ने तो जैसे कानों में रुई डाल रखी थी। नवदुर्गा के आगमन के साथ ही यहां एक मां दुर्गा की झांकी लगती है, जो वर्षों से लग रही है। समिति सदस्य परेशान थे कि झांकी कैसे लगेगी। सदस्यों ने काफी प्रयास किया, PWD नगर पालिका सारे विभाग गए, कुछ पार्षद गण भी पहुंचे। विभाग को काफी चेताने के बाद नवरात्रि के 2 दिन पहले इस नाले को ढकने का कार्य शुरू हुआ, वह भी अधूरा रहा। झांकी समिति के सदस्यों ने बताया कि 2 दिन से हम लोग परेशान हो रहे हैं, झांकी तक जाने वाले मार्ग पर नाला नहीं ढाका गया था, अब हम पटिए रखकर आवागमन का मार्ग बना रहे हैं। अब यह आधा अधूरा नाला कब तक बनेगा, ये कहना मुश्किल है। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट। क्या परेशानी भैया? हमारी समिति ने बहुत मेहनत करी, ये नाला 2 महीने से खुदा पड़ा हुआ था। तब हमारी समिति ने मेहनत के बाद जहाँ पर थोड़ा बहुत इनने कार्यक्रम करा और वो भी पूरी तरीके से नहीं करा, आधा नाला खोद के पटक दिया। हमारी समिति के मेहनत के बाद ये नाले का थोड़ा प्रयास हुआ, उसके बाद भी उनने आधा खोद के हम परेशान हो गए। हम ये काम कर रहे हैं। कब से कर रहे हो काम? अभी उठा पटक हम ये कल रात से कर रहे हैं। अच्छा, कितने आपके साथी हैं ऐसे जो परेशान हो रहे हैं? हमारी पूरी समिति परेशान हो रही है, कम से कम 12-13 लोग। तो ये आप पटिए कहाँ से उठा के ला रहे हो? वहाँ से उठा के लाए सर। काम किसका था ये कायदे में? ये जो ठेकेदार का काम था, जो करना चाहिए था इसको। क्या नाम है आपका? पीयूष राठौर।